अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। सभी बच्चे अपनी मैथ्स की बुक एंड मैथ्स प्रैक्टिकल कॉपीज़ ओपन कर लीजिए। आज हम एक्सरसाइज 14.6 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो बुक में पेज नंबर 291 ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 147 डिग्री एंड कंस्ट्रक्ट इट्स बाइसेक्टर। तो सबसे पहले आपको एक एंगल ड्रॉ करना है 147 डिग्री का, और उसके बाद उसका बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करना है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से करना है कॉपी में। तो सबसे पहले ऊपर मेंशन करेंगे एक्सरसाइज 14.6 और आंसर नंबर 1 करेंगे। तो आंसर नंबर 1 मेंशन करेंगे, सॉरी आंसर नंबर 2 है, 147 डिग्री का एंगल हमें ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये देखिए इस तरीके से। ये एक लाइन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, ये इस तरीके से, और उसके बाद तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब उसके बाद हम डी की हेल्प से, ये जो प्रोट्रैक्टर है इसकी हेल्प से 147 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो इसे इस तरीके से, मैंने कहा था ये जो बीच वाला मार्क है इसको आपको लाइन के ऊपर रखना है बिल्कुल एज इट इज़। यहाँ पर, यहाँ से भी आपको एंड पॉइंट, यहाँ से आप एंड पॉइंट पर रखेंगे और यहाँ से ये लाइन के ऊपर होनी चाहिए ये वाली लाइन। उसके बाद स्टार्ट करेंगे, देखिए ये है 90 डिग्री का, ये 100, 110, 120, 130, 140, और हमें किसका ड्रॉ करना है 147 का। तो ये हुआ 145, ये 146, और यहाँ पर ये ड्रॉ होगा 147 डिग्री का एंगल जो कि हमें ड्रॉ करना है। ये देखिए अब हम यहाँ से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे बिल्कुल इन्हें दोनों पॉइंट को आपस में इस तरीके से। तो ये हमने 147 डिग्री का एंगल बना लिया है। तो ये है वर्टेक्स ओ एंगल की, ये वाला है बी पॉइंट, और यहाँ पर है ए पॉइंट, ये है आर्म ए और ये है आर्म बी, ये है वर्टेक्स ओ। अब उसके बाद हमें इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले एक एंगल अंदर, पहले एक आर्क लगाएंगे। तो कंपास को थोड़ा सा ओपन करना है और उसके बाद वर्टेक्स पर रखेंगे ओ पर कंपास की नीडल को, और इस तरीके से आर्क ड्रॉ कर लेंगे। अब उसके बाद इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए इस आर्क के हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन करेंगे, और पहले यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं, ये है पी पॉइंट और ये है क्यू पॉइंट, और उसके बाद पी पर नीडल को रखेंगे कंपास की और क्यू पर रखेंगे नीडल को, और उसके बाद पी पर रखेंगे और क्यू पर रखेंगे, और दोनों साइड पर आर्क लगाएंगे, और ये जो आर्क है वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने चाहिए। उसके बाद ओ से इस आर्क के सेंटर को ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ पर बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा 147 डिग्री का। ये जो हमने बनाया है एंगल, इसका ये बाइसेक्टर यहाँ पर ड्रॉ हो गया। ये आर रख लेंगे, ये कितने डिग्री का था एंगल, 147 डिग्री का था। तो 147 डिग्री का हमने बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया यहाँ पर। चलिए अब इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, कि हमने इसको किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया है। एक्सरसाइज 14.6 आंसर नंबर 2 मेंशन करेंगे, ये लाइन वाले पेज पर करना है। देखिए यहाँ पर आंसर नंबर 2 मेंशन करेंगे, आज की डेट मेंशन करनी है। अब 1 by 1 कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ की थी और उस पर पॉइंट लिया था ए, उसके बाद
फर्स्ट हमने क्या किया था, ड्रॉ ए लाइन ओ ए। सबसे पहले हमने एक लाइन ओ ए ड्रॉ की, उसके बाद हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर कंस्ट्रक्ट किया हमने एंगल ए ओ बी 147 डिग्री का। तो कंस्ट्रक्ट एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 147 डिग्री। उसके बाद हमने क्या किया, थर्ड स्टेप, हमने टेकिंग सेंटर ओ, ओ लिया सेंटर और उस पर हमने कंपास की नीडल रखी और एक आर्क लगाया। टेकिंग सेंटर ओ, सेंटर ओ एंड एनी कन्वीनियंट, एनी कन्वीनियंट रेडियस ड्रॉ एन आर्क which intersects the arms OA and OB at P and Q respectively, उसके बाद हमने फोर्थ स्टेप क्या किया, फोर्थ स्टेप में हमने टेकिंग पी, सबसे पहले हमने पी को सेंटर लिया, टेकिंग पी एज सेंटर एंड रेडियस मोर देन हाफ, और उसके रेडियस की हाफ से ज़्यादा हमने कंपास को ओपन किया, more than half of PQ। उसके बाद हमने एक आर्क ड्रॉ किया, draw an arc। उसके बाद हमने सेम प्रोसीजर डीपर से किया, फिफ्थ स्टेप टेकिंग क्यू एज सेंटर एंड विद द सेम रेडियस विद द सेम रेडियस draw another arc। उसके बाद हमने दूसरा आर्क ड्रॉ किया, draw another arc which intersects the previous arc, जो कि पहले वाले आर्क को इंटरसेक्ट कर रहा था, प्रीवियस आर्क। या तो हमें ऐसा आर्क ड्रॉ करना है जो पहले वाले आर्क को इंटरसेक्ट करे, एट आर, और जहाँ पर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसे पॉइंट आर लेना है। उसके बाद सिक्स पॉइंट हमें ज्वाइन करना है ओ आर को, ज्वाइन ओ आर एंड प्रोड्यूस इट एंड
प्रोड्यूस इट, इसे आगे की तरफ प्रोड्यूस करना है। उसके बाद सेवंथ, थस ओ आर इज द रिक्वायर्ड बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ राइट एंगल एंड कंस्ट्रक्ट इट्स बाइसेक्टर। सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ड्रॉ करना है, उसके बाद उसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, यानी उसे कंस्ट्रक्ट करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करेंगे। तो आंसर नंबर 3 करेंगे एक्सरसाइज 14.6 का। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आंसर नंबर 3 के लिए सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली पी क्यू, ये है पॉइंट पी और ये है पॉइंट क्यू। अब हम इसी पर एक पॉइंट ले रहे हैं, ये है पॉइंट ओ, यहाँ पर मैं ले रही हूँ। इस पर मुझे कंपास की नीडल रखनी है। सबसे पहले आपको इस पर कंपास की नीडल रखनी है। कंपास को अपने हिसाब से थोड़ा सा ओपन कर लीजिए और इस तरीके से एक आर्क ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद आपने जितना कंपास ओपन किया था उतना ही आपको ओपन रहने देना है, इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना, छेड़ना नहीं है। ये जो दो पॉइंट है इसके ऊपर इनकी नेमिंग करेंगे ए बी। उसके बाद बी पर कंपास को रखना है। देखिए इसको मैंने बिल्कुल भी टच नहीं किया है कंपास को, ये एज इट इज़ जितना ओपन था उतना ही है। फर्स्ट आर्क लगाएंगे इस तरीके से। अब जहाँ पर ये आर्क कट कर रहा है वहीं पर आपको एक पॉइंट लेना है और उसी पॉइंट पर वापस से आपको कंपास की नीडल रखनी है और दूसरा आर्क लगाना है। देखिए जब भी आप इस तरीके से आर्क लगाते हैं ना सेमी सर्कल ड्रॉ करके, तो ये जो फर्स्ट वाला आर्क होता है ये 60 डिग्री का लगता है और जो सेकंड वाला आर्क होता है ये प्लस 60 प्लस 60 कितना होगा 120 का होता है, और ये जो लास्ट वाला है ये हो जाता है 180 डिग्री का। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। देखिए ये फर्स्ट वाला आर्क था 60 डिग्री का, ये है 120 डिग्री का और ये लास्ट वाला है 180 डिग्री का। अब अगर हम 60 डिग्री और 120 डिग्री का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दें, यानी अगर हम 60 और 120 का जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो 30-30 बीच में से डिवाइड हो जाएगा, है ना। अगर हम यहाँ पर, तो ये 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा 90, और 120 माइनस 30 कितना हो जाएगा 120 माइनस 30 90 हो जाएगा, और 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा 90 डिग्री अगर हम इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करें तो। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। तो सबसे पहले हम अपने कंपास को ओपन करेंगे, यहाँ पर रखेंगे और ये जो इतना बीच का पोर्शन है ना इसके हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन करेंगे। तो हाफ से ज़्यादा कितना हुआ, इतना ले सकते हैं या इतना भी ले सकते हैं। ठीक है, मैंने इतना ले लिया है। देखिए अब मैं आर्क लगाऊंगी फर्स्ट आर्क, और उसके बाद लगाना है मुझे दूसरा आर्क, वो मैं 120 डिग्री पर रखकर लगाऊंगी इस तरीके से। ये देखिए आपको भी यही करना है। ठीक है, उसके बाद जहाँ पर ये आर्क इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ बीच में, तो यहाँ से ओ पॉइंट को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो जब आप इसे ज्वाइन करेंगे तो ये वाला जो एंगल बना ये किस कितने का बनेगा, ये बना है 90 डिग्री का, और हमें यही ड्रॉ करना था। तो हमें राइट एंगल ड्रॉ करना था, और राइट एंगल किसे कहते हैं, 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल कहते हैं, है ना। राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, तो वो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। देखिए तो हमने क्या किया था, यहाँ पर 120 और 60 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया था। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, किसी भी फिगर को या किसी भी लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो यहाँ पर 120 और 60 है, देखिए 120 माइनस अगर आप 60 करेंगे तो बीच में जो डिफरेंस आएगा वो 60 डिग्री का आ जाएगा।
यानी कि यहाँ पे जो बीच में जो डिस्टेंस है वो 60 का है। तो जब आप 60 को बीच में से जब आप 60 को हाफ करेंगे 60 का, तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो 30 एक साइड में रहेगा या 30 एक साइड में रहेगा, यहाँ बीच पर बीच में कौन सा एंगल बना है 90 डिग्री का, यानी राइट एंगल बन गया। अब ये तो ड्रॉ कर लिया हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो सॉरी 90 डिग्री का एंगल यानी राइट एंगल। अब हमें इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी करना है। तो हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि सबसे पहले हमें राइट एंगल ड्रॉ करना है और फिर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो जब हम इसका 90 डिग्री का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो वो किस तरीके से होगा, ये वाला जो आर्क है इसके हाफ से ज़्यादा हम कंपास को ओपन करेंगे। ये देखिए मैं इसको इतना ओपन कर लेती हूँ, इतना मैंने इसे ओपन कर लिया। अब एक आर्क बी पर रखकर लगाऊंगी। आपको क्या करना है, एक आर्क आपको बी पर रखकर लगाना है इस तरीके से, और दूसरा आर्क आपको यहाँ इस पॉइंट को ई पॉइंट मान लीजिए, ये वाला ये है ई पॉइंट। दूसरा आर्क आपको ई पॉइंट पर कंपास की नीडल को रखकर लगाना है। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ हमने क्या किया, ये जो राइट एंगल था 90 डिग्री का, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब हम इसे ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर हमने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर राइट एंगल का समझो ड्रॉ किया है यहाँ पर, ये ठीक है। तो इस पॉइंट को डी पॉइंट इसकी नेमिंग करेंगे, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। अब इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। आंसर नंबर 3 है एक्सरसाइज 14.6 का। तो ये कहाँ करना है, लाइन वाले पेज पर कंस्ट्रक्शन लिखनी है इसकी। ये देखिए, अब फर्स्ट सबसे पहले हमने क्या किया था, ड्रॉ अ लाइन, हमने एक लाइन ड्रॉ की थी, ड्रॉ अ लाइन पी क्यू एंड टेक अ पॉइंट। सबसे पहले हमने एक लाइन पी क्यू ड्रॉ की और उसके ऊपर हमने एक पॉइंट लिया, टेक अ एंड टेक अ पॉइंट ऑन इट एंड टेक अ पॉइंट ओ ऑन इट। उसके बाद हमने एक पॉइंट लिया ओ, उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या किया, टेकिंग ओ एज सेंटर, टेकिंग ओ एज सेंटर और एंड कन्वीनियंट रेडियस, एंड कन्वीनियंट रेडियस ड्रॉ एन आर्क। हमने क्या किया, एक आर्क ड्रॉ किया, ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट, जिसने लाइन पी क्यू को इंटरसेक्ट किया, विच इंटरसेक्ट्स पी क्यू एट ए एंड बी। उसने पी क्यू को इंटरसेक्ट किया ए पर और बी पर पॉइंट। उसके बाद थर्ड पार्ट हमने क्या किया, टेकिंग ए एंड बी एज सेंटर्स एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ ए बी, ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम दिस आर्क। उसी आर्क पे से आपको दूसरा आर्क लगाना है, फ्रॉम दिस आर्क draw another arc। उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या किया, इन्हीं आर्क पर से
टेकिंग ए एंड बी, टेकिंग ए एंड बी एज सेंटर्स एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ एफजी draw two arcs which intersects each other at C, each अदर एट सी, उसके बाद ओ सी को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन ओ सी थर्स एंगल सी ओ क्यू इज द रिक्वायर्ड एंगल नाइन्टी डिग्री, यानी कि राइट एंगल जो हमें सबसे पहले ड्रॉ करना था। उसके बाद हमें क्या करना है, 6 पॉइंट टेकिंग बी एंड ई एज सेंटर्स एंड रेडियस मोर देन ऑफ बी ई, ड्रॉ टू आर्क्स which intersect each other at point D। उसके बाद लास्ट करेंगे join OD, और ये हमने यहाँ पर राइट एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, जॉइन ओ डी थस ओ डी इज द रिक्वायर्ड बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी ओ क्यू। इसी के साथ आंसर नंबर 2 और 3 एक्सरसाइज 14.6 के कंप्लीट होते हैं। चलिए बाकी के इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।